धरती से क्षत्रियों का सफाया करने के बाद भगवान परशुराम मानप्रभ नदी में अपना फरसा धोने गए। फरसे से क्षत्रियों का रक्त साफ करने पर वह स्वयं भी अपने अंदर समाहित रक्त को बाहर निकालने लगा, जिससे नदी के पानी का रंग लाल हो गया। बहाव से नीचे की ओर कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थी। जब उन्होंने यह देखा तो उनके मुंह से अचानक से निकला आई होल, जिसका मतलब हुआ अरे नहीं नदी। तब से यह स्थान ऐहोल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भगवान परशुराम ने अपने फरसे को धोया था, जो वर्तमान में कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है और यहाँ के मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। मित्रों, ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए, साथ ही केबीसी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और फॉलो कीजिए द सोल गाइड। थैंक यू।